गुरु, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि बॉलीवुड में भी डेडपूल आ चुका है तो क्या आप मेरी बात मानोगे? यकीन नहीं हो रहा ना? तो चलो मैं बताता हूँ गुरु। ये कहानी होने वाली है एसटीएफ की। जब यूपी में ज्यादा क्राइम बढ़ गया था, लोग एक दूसरे को मार रहे थे, ज्यादा चोरी होने लग गई थी, आतंकवाद ज्यादा बढ़ गया था, किडनैपिंग, मर्डर, रेप, ऐसी हर एक न्यूज यूपी से सुनने को मिली थी, तो यूपी गवर्नमेंट ने स्पेशल टास्क फोर्स का गठन करा था, यानी एसटीएफ। जब एसटीएफ को बनाया था वो डेट थी 4 मई 1998, और इंस्पेक्टर अविनाश की कहानी भी उसी टाइमलाइन से स्टार्ट होने वाली है, यानी 4 मई 1998। गुरु, इंस्पेक्टर अविनाश और डेडपूल में क्या सिमिलरिटी है? चलो बताता हूँ मैं। इंस्पेक्टर अविनाश गुरु, ये वो बंदा जिसके नाम से पूरा यूपी कांपे पड़ा है। यूपी के सभी बाहुबली के एल लगा दिए इसने। यूपी का हर एक बाहुबली रात को सोने से पहले ये प्रार्थना करता है कि भूल से भी उनको अविनाश के दर्शन ना हो, वरना यमराज को आने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ये बंदा डायरेक्ट पहुंचा देगा यमराज के पास। गुरु, भूल से भी कोई ऐसा काम मत करना जिससे अविनाश की दिव्य दृष्टि तुम्हारे ऊपर पड़े, वरना कहीं पर लेटे पड़े मिलोगे। बाद में कहना मत मैंने बताया, ये आदमी मारे बिगड़ छोड़ेगा। गुरु, इस सीरीज के टोटल 8 एपिसोड है और हर एक एपिसोड लगभग 45 से 50 मिनट का होगा, तो भाई टाइम लेके बैठना क्योंकि ये सीरीज बहुत सारा टाइम लेगी आपका। गुरु, डेडपूल और अविनाश में क्या सिमिलरिटी है, अब ये भी समझो। डेडपूल को दुनिया क्यों पसंद करती है? उसके बिहेवियर के लिए। जैसे वो फोर्थ वॉल ब्रेक करके डायरेक्ट हमसे बात करता है, उसको मतलब नहीं है भाई किसी से भी, चाहे वो डायरेक्टर हो, प्रोड्यूसर हो, राइटर हो। गुरु, डेडपूल राइटर को भी पेल सकता है क्योंकि इसे ऐसा क्यों बनाया, इसलिए दुनिया राइटर को पसंद करती है क्योंकि भाई उस बंदे को मतलब नहीं किसी से। गुरु, ये सेम सिमिलरिटी इंस्पेक्टर अविनाश के अंदर भी है। ये बंदा भी फोर्थ वॉल ब्रेक करके डायरेक्ट हमसे बात कर चुका है अपने अलग अंदाज में, और भाई यही देखने मजा आया मेरे। गुरु, जब मैं सीरीज देखने लगा तो मुझे लगा नहीं था कि मैं इस सीरीज को इतना ज्यादा पसंद करूंगा, अब इसके सीजन 2 के लिए मैं इतना वेट कर रहा हूँ। सच में भाई ये बहुत अच्छी सीरीज लगी मुझे तो। गुरु, दोनों ही फोर्थ वॉल ब्रेक कर चुके हैं, एक को मारा नहीं जा सकता, एक मरता नहीं है, और सामने वाले की मारने पे लगे दो। और क्या सिमिलरिटी चाहिए तुम लोगों के सीरीज देखने के लिए? तो भाई मैं तो कहूंगा जाओ और अभी देखो, फ्री भी है यार, इतना अच्छा माल फ्री में मिल रहा है, बार बार ये मौका नहीं मिलेगा, तो अभी जाके देख लो, मतलब इस वीडियो के बाद जाना यार, मेरी मेहनत की उपटाप कर रहे हो। गुरु, इस सीरीज की स्टार कास्ट भी बहुत अच्छी है भाई। रणदीप हुडा, सौंदर्या शर्मा, शालिन भनोट, उर्वशी रौतेला और भी अच्छे अच्छे कलाकार है इसमें, जिसने बहुत अच्छा अच्छा काम करा है सीरीज के अंदर। शालिन भनोट से एक बात याद आ गई मेरे। गुरु, इंस्पेक्टर अविनाश की स्टोरी जिसने भी लिखी है, ये बंदा बिग बॉस देख के आया था, इसलिए इसने शालिन भनोट के डायलॉग बहुत ही कम लिखे है भाई, बिल्कुल ना के बराबर मिलेंगे। तो सच में भाई बहुत ही अच्छा काम करा है सीरीज में। शालिन भनोट के बोलते ही सीरीज का काम खराब हो जाता। मुझे पता है भाई, मैं BB16 देख के आया हूँ, तो गुरु मैं भरा बैठा हूँ उससे, तो सही करा भाई जिसने भी करा। और बाकी स्टारकास्ट ने अपनी अपनी जगह बहुत अच्छा काम करा, मगर रणदीप हुड्डा सर ने भाई क्या खूबसूरती से अपने रोल को निभाया यार। देखो यही एक्टर होते हैं जो हर किसी रोल में ऐसे ढल जाते हैं, आप कंफ्यूज हो जाओगे कि भाई ये रियल में तो नहीं है या एक्टिंग है, सोच में पड़ जाओगे। और गुरु, तुमसे एक रिक्वेस्ट है मेरी, तुम्हारा एक लाइक मुझे आगे और मोटिवेशन देगा ऐसी वीडियो बनाने के लिए, तो जरूर करके जाना। बाकी मैं आपके 2 सवालों का अभी आंसर दे देता हूँ। जो भी मेरे सब्सक्राइबर उनको नहीं पता होगा फोर्थ वॉल ब्रेक का मतलब क्या होता है, इसके ऊपर फुल डिटेल वीडियो बना दूंगा, अगर आपको जानना है तो कमेंट करके बता देना। और सेकंड, ये सीरीज आपको कहां देखने को मिलेगी? जियो सिनेमा पर फ्री, बिल्कुल जाके देख लेना। और जिसने मेरी पुरानी वीडियो नहीं देखी, 1 2 3 4 चारों स्क्रीन पर आ गई है ना, तो देख लेना। और ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।